गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएससीएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेंगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं इनके चौधरी प्रॉम स्पीकर आज आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 0 थ्योरी 0 और जिसका नेम है डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणी, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और बिल्कुल हमारे द्वारा दी जा रही ऑनलाइन क्लासों का आप पढ़ रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो नहीं देख रहा उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो हमारी क्लासों को अवश्य पढ़े और पिछले जो भी वीडियो है उन सभी को आप देखें। जैसा कि मैं अभी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने आपको मैट्रिक्स के कम्प्लीट पार्ट शेयर कर दिए है, फिर भी यदि कोई पार्ट ऐसा है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, बेझिझक आप अपने स्कूल के नंबर है उनपे कॉन्टेक्ट करिए और इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम का जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो प्रिय स्टूडेंट्स कंटिन्यू जुड़े रहिए और कंटिन्यू हमारे साथ स्टडी करते रहिए। जैसा आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की जिसका नेम है डिटरमिनेंट्स, ठीक है, यानी कि सारणी, ठीक है। दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश और हिंदी, इससे आप अच्छे से कवर कर सकते हो, यानी मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करूंगा, दोनों लैंग्वेज में राइट करूंगा। देखो सबसे पहले हमने पिछले क्लास में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, नंबर यानी कि संख्याओं और फ्लेंस यानी फंक्शंस, ठीक है, उनका एक वह व्यवस्थित क्रम है जिनमें इन संख्याओं को या नंबर को क्या किया जाता है, फंक्शंस को पंक्ति व स्तंभ के रूप में, आयताकार रूप में या फिर वर्गाकार फॉर्म में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित करने की जो एक तरीका है वही क्या है, मैट्रिक्स है। यानी आपसे कोई ये पूछे मैट्रिक्स क्या है, अब बात आएगी वो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट सीखेंगे, यानी जैसे ही अपन को मैट्रिक्स आने लग जाती है तो फिर हम क्या तैयार करेंगे, डिटरमिनेंट्स तैयार करेंगे यानी सारणी, उसके पश्चात इनके इनवर्स आएंगे, इनके अप्लीकेशन आएंगे, ठीक है, 50 यूनिट में। तो अपने पास स्टार्टिंग में हम 3 यूनिट्स तैयार करेंगे, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, ठीक है। ये 10 मार्क्स के स्टूडेंट्स, इनमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैट्रिक्स में से एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों बताएंगे 4 नंबर की वो है, 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट्स में से, ठीक है। तो 4 और 3 कितने हो गए 7, और एक 3 नंबर का क्या होता है, इनके इनवर्स से और इनके अप्लीकेशन से उनसे क्वेश्चन आता है। तो ऐसे अपने क्या करेंगे, इन 3 यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसको मैट्रिक्स आ जाएगी वो डिटरमिनेंट्स कवर कर लेगा, जिसको डिटरमिनेंट्स आ जाएगी यानी सारणी आ जाएगी वो क्या करेगा, इनके इनवर्स भी सीख लेगा। तो अब मैं बात करता हूँ देखो आज डिटरमिनेंट्स की, यानी कि सारणी में क्या किया जाता था, केवल संख्याओं और फलनों को पंक्ति व स्तंभ के रूप में, आयताकार रूप में क्या किया जाता है, केवल व्यवस्थित अधिविन्यास किया जाता था। लेकिन डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको डेफिनेशंस बता दूं। देखो ऐसे होता है, परिभाषा में नहीं आ रहा है पर ऐसे कैसे कि माना आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, क्योंकि हम मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट सीखेंगे, ठीक है। तो माना ए इक्वल आई से, ये क्या है, एक ए मैट्रिक्स है जिसमें ये इसका एलिमेंट्स है ए, ठीक है, जिसमें आई क्या है उसकी नंबर ऑफ रो है और जे क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। एक एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, यानी कि वो क्या होना चाहिए, यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर एन है, यानी का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए वो, ठीक है। तब एक अद्वितीय संख्या जिसको बोलते हैं यूनिक नंबर, ठीक है, यूनिक नंबर, ऐसे आई से मैट्रिक्स ए की क्या कहलाती है, सारणी कहलाती है। यानी कि अपने पास इधर देखो मैं थोड़ा सा यहाँ रफली समझा दूं आपको, जैसे हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो मैट्रिक्स में जैसे मैंने इसे राइट किया था कि ए आई से, ये क्या है मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स में तो क्या किया जाता था, जो एलिमेंट्स आते थे यानी कि जो नंबर और कॉलम्स होते थे, ठीक है, उनको हम क्या करते थे, ऐसे ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे। और मैंने कहा था मैट्रिक्स के केवल क्या है, संख्याओं और कॉलमों को व्यवस्थित करने का एक क्या है, क्रम है, यानी कि उनको व्यवस्थित करना किसके रूप में, या आयताकार रूप में या वर्गाकार रूप में, वही क्या है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का कभी भी संख्यात्मक मान नहीं आता,
जबकि जो सारणिक है वो क्या होता है, मैट्रिक्स का एक तरह से क्या है, संख्यात्मक मान है। ठीक है, तो यदि हम किसी भी मैट्रिक्स को या डिटरमिनेंट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले तो इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको आप मापांक नहीं कहोगे, मॉडुलस नहीं कहोगे। इसका मतलब है क्या, इसको मैं इसे राइट कर दूं कि ए डिटरमिनेंट्स। ठीक है, क्या है ये मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स ए है। ठीक है, तो यानी कि मैट्रिक्स ए का सारणिक ए है ये। ठीक है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे कैसे राइट किया है, देखो कि माना ए अपने पास क्या है, ए आई सी एक मैट्रिक्स है जो किस क्रम का है, एन क्रम का, कौन सा है, इसमें ध्यान देने की बात है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी वर्ग मैट्रिक्स है। तो एक अद्वितीय संख्या यानी कोई मान आएगा। ठीक है, वो कैसा होगा, देखो यूनिक नंबर। ओके, ए आई जे मैट्रिक्स ए की क्या कहलाती है, सारणी कहलाती है, और इसको सारणी ए या फिर ऐसे सारणी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो या इसकी डेफिनेशन देख लेंगे, मैं समझा देता हूँ। देखो डेफिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स, ठीक है, क्या है, लेट ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। किस टाइप की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसका ऑर्डर क्या है, एन है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, तब हमें क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ है, अब सेट ऐसे यूनिक नंबर। ठीक है, यानी ये क्या है, यूनिक नंबर का मतलब होता है कोई वैल्यू। ठीक है, ऐसे डिटरमिनेंट्स ए आई से कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और यही क्या कहलाती है, मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स कहलाती है। ठीक है, और मैंने इसे लिखा आगे, देन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इज डिनोटेड बाई ऐसे डीटी ए, यानी इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट्स ए। ठीक है, या इसको आप ऐसे कह सकते हो डिटरमिनेंट्स ए। ओके, अभी ये अपने पास क्या हो गया, डिटरमिनेंट्स की एक डेफिनेशन हो गई, यानी सीधी सी बात है, हम ये आपको मैं बता दूं कि जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स क्या था कि भाई मैट्रिक्स में क्या किया जाता था, अपने पास संख्याओं को यानी नंबर्स को और जो फंक्शंस होते हैं यानी फलनों को क्या किया जाता था, एक आयताकार रूप में, पंक्ति या स्तंभ के रूप में रखा जाता था। ठीक है, या तो कॉलम होता था या रो के रूप में अरेंज कर देते हम। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स कहते थे। लेकिन मैट्रिक्स से हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स का क्या होता है, यूनिक नंबर होता है। कहने का मतलब एक वैल्यू होती है, किसकी, मैट्रिक्स की। ठीक है, तो मैट्रिक्स की यदि वैल्यू फाइंड की जाती है तो मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसकी क्या की जाती है, वैल्यू फाइंड की जाती है। तो जो डिटरमिनेंट्स होगा वो हमेशा किस ऑर्डर का होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, नंबर और कॉलम्स की जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सदैव क्या होगी, समान होगी। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, फिर इससे आगे हम चलते हैं। डेफिनेशन राइट कर दिया होगा, समझ भी लिया होगा आपने कि भाई मैंने इसे राइट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हम यदि बात करें किसी एग्जाम्पल की, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैंने इसे राइट कर दिया 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या है, अपने पास ऑर्डर है 2x2। ठीक है, इसका मतलब मैंने कहा था कि डिटरमिनेंट्स क्या होगा, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म होगा। ये देखो यहाँ राइट कर रखा कि लेट ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि एक मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका आप यदि डिटरमिनेंट्स निकालना चाहते हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल, मैं इसको ऐसे राइट कर दूंगा 1, 2, 3 और 4। तो ये क्या हो गई, 2x2 ऑर्डर की, यानी इसमें 2 तो क्या है, रो है, और 2 क्या है, इसमें कॉलम है। ये एक डिटरमिनेंट्स हो गई, और इसकी क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई, मैट्रिक्स में कभी भी अपने पास मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं आती थी, उनका संख्यात्मक मान नहीं होता था, बट डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, उसका संख्यात्मक मान यानी उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट्स है यानी कि सारणिक है उसकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1x1 ऑर्डर की, जो भी डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है अपने पास,
जैसे ही हम डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं यानी कि सारणी की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है उसकी वैल्यू फाइंड करना डिटरमिनेशन होने के बाद, ठीक है। तो मैं इसे कैसे राइट कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है, यानी किसी भी डिटरमिनेंट्स की क्या करना, वैल्यू फाइंड करना। तो याद डाल देता हूँ ये लोग कि सारणी के का मान, ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया, इसी को इंग्लिश में भी राइट कर देता हूं मैं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, ऐसे डिटरमिनेंट्स ये तो। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डिटरमिनेंट्स की क्या याद करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अपने पास हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, एक तो 1x1 ऑर्डर की, ठीक है, एक 2x2 ऑर्डर की, एक 3x3 ऑर्डर की। अपने बुक में हम जो भी डिटरमिनेंट्स की स्टडी करेंगे वो अंतिम अपने पास क्या होगी, 3x3 ऑर्डर की होगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट लेता हूँ आपके सामने, एक क्रम, ठीक है, यहाँ डाल देता हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में राइट करूंगा कि एक क्रम है जिसका ऑर्डर क्या हो, 1x1 हो, की सारणी के, ऐसे की सारणी के, ठीक है, का मान, ये मान याद करना सीखेंगे हम, ठीक है। तो मैं इसे कैसे राइट कर रहा हूं कि अपने पास क्या है, कोई भी एक डिटरमिनेंट्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 1x1 है, उसकी क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। एक क्रम की जो भी डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो इधर देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे, जैसे मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया ऐसे, ठीक है, ए आई जेड, ये इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी क्या है, 1x1 ऑर्डर की है, ठीक है, मैट्रिक्स, तो मैंने इसको डाल दिया, इसका ऑर्डर क्या है, 1x1। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है। याद रखना, यदि आपके पास कोई भी ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो क्या है, 1x1 ऑर्डर का, इसका मतलब उसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो क्या होंगे, केवल 1 होंगे, इसलिए उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसका एलिमेंट्स होगी, ठीक है। तो मैं वैसे हिंदी लैंग्वेज में राइट कर देता हूँ एक बार, ऐसे कि माना कोई मैट्रिक्स है अपने पास ए, जिसका एलिमेंट्स क्या है, ए है, ओके, एक क्रम है, ऐसे एक है, ऐसे क्रम का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये लिखा था डिटरमिनेंट्स क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का रूप होगा, ठीक है। तो मैंने डाल दिया ऐसे कि माना ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स ए है, एक क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी 1x1 ऑर्डर का है, ठीक है। तब उसकी सारणी क्या होगी, ऐसे तब सारणी के, इसको हम किस में बदलेंगे, सारणी में बदलेंगे, डिटरमिनेंट्स में बदलेंगे, ठीक है। जो ऐसे होगा ए इज इक्वल सारणी ए, ओके, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ऐसे इसी की जो एलिमेंट्स है वो ही होगा ए, ओके। तो इसमें क्या है अपने पास, कोई भी यू मैट्रिक्स है जो 1x1 ऑर्डर की हो, ठीक है, मैं एग्जांपल देख के समझाऊंगा अभी आपके सामने, एक बार देख लो इधर, मैंने राइट किया है एक क्रम की जो सारणी है उसका मान याद करना, यानी 1 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना, ओके। तो 1 ऑर्डर की, यानी 1x1 ऑर्डर की जो भी डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, तो 1x के अपने पास क्या होगी, कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है, उस मैट्रिक्स को या तो आप क्या करना, डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर लेना, या सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है और 1x1 ऑर्डर की, इसका उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, केवल 1 होगा, ओके। इसलिए मैंने राइट कर दिया क्रम का ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब इसका सारणी क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल, ऐसे होगा डिटरमिनेंट्स ए, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका एलिमेंट्स होगा। तो ये तो हो गया अपने पास 1x1 डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करना। अब अपने पास और दो एग्जाम्पल, तो कोई एग्जाम्पल देके आपको समझा दूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, बात करें किसी एग्जाम्पल की, ठीक है, और दो एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कि मेरे पास कोई एक मैं ऐसे राइट कर दूं कि यानी कि मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है ऐसे जो ऐसे है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो 1x1 ऑर्डर की है, ठीक है, इसमें 1 ही एलिमेंट्स होगा, वो क्या है, बी है। अब तो इसकी अब हम इसको किस में बदलेंगे, सारणी में बदलेंगे, डिटरमिनेंट्स निकालना चाहते हैं, तो मैं इसको ऐसे राइट करूंगा ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल ऐसे 3, ओके, क्योंकि इसका एलिमेंट्स क्या है, 3, जो क्या है 1x1 का है, इक्वल क्या जाएगा, 3। तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल क्या हो गया, 3। ये जो 3 क्या है, यदि 1x1 ऑर्डर का क्या है,
डिटरमिनेंट्स है तो उसी की वैल्यू क्या है, उसी का एलिमेंट्स है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जैसे अपने पास मैं ऐसे राइट कर दू की ए कोई मैट्रिक्स है जो ऐसे माइनस थ्री जिसका एलिमेंट्स है, ओके ये भी क्या है, वन क्रॉस वन ऑर्डर की है। ठीक है, अब इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करूंगा तो लिखूंगा इसे या तो बी ई टी, ठीक है ए, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल, मैं ऐसे राइट कर देता हूँ माइनस बी। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो डिटरमिनेंट्स ए है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस की थ्री है। लेकिन आप इसको क्या कहोगे, मोड्स यानी मापांक नहीं कहोगे। ये विशेष याद रखना, ये जो अपने पास मॉडुलस का मार्क्स है वो यहाँ मॉडुलस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारणी के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास यदि प्लस की वैल्यू हो और माइनस की वैल्यू हो तो जो जैसा एलिमेंट्स है वैसा का वैसा आपके पास आ जाएगा, तो आप इसको कभी मॉडुलस में काउंट मत कर लेना। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है, अपने पास टू क्रॉस टू ऑर्डर की कोई डिटरमिनेंट्स हो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है तो वो बता देता हूं मैं, ये अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है टू क्रॉस टू ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स, ठीक है उसकी वैल्यू फाइंड करना, ये लो मैं राइट कर देता हूँ। अब टू क्रॉस टू ऑर्डर की कोई भी डिटरमिनेंट्स हो उसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड की जाती है, तो मैंने राइट कर दिया ऐसे द्वितीय क्रम में, ठीक है की सारणी के, की सारणी के का मान ज्ञात करना, यानी टू क्रॉस टू ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट्स हो उसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले मैं लिखूं, जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है जो टू क्रॉस टू ऑर्डर की है, जो मैंने ऐसे राइट कर दिया जैसे ए वन बी वन है, ए टू बी टू, ठीक है ये एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है ए वन बी वन है, ए टू बी टू, ठीक है ताकि ये पता चला कि ये तो इसकी क्या हो गई, रो नंबर फर्स्ट हो गई और ये इसका रो नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, ये कॉलम नंबर फर्स्ट है मैट्रिक्स का, ये कॉलम नंबर सेकंड है, ठीक है ये क्या हो गया टू क्रॉस टू ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब हम इसको किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिटरमिनेंट्स में, क्योंकि हम क्या करेंगे इसी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डीईटी ए यानी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स, या इसको ऐसे सिंबल द्वारा भी रिप्रेजेंट कर दो कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल, ऐसे कैसे राइट कर दिया मैंने, ए वन बी वन ए टू बी टू, ठीक है ये भी क्या है टू क्रॉस टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया, यदि नहीं है तो भाई आपके पास सीधी यदि मैट्रिक्स नहीं दे रखा और डिटरमिनेंट्स दे रखा है तो सीधा आप क्या कर सकते हो, उसमें भी फाइंड कर सकते हो। मैंने कहा था मैट्रिक्स की कभी भी वैल्यू नहीं निकलती है, केवल डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड की जाती है, तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है फिर उसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स ए हो गया जो टू क्रॉस टू ऑर्डर का है। ठीक है, यानी अपने पास द्वितीय क्रम का जो सारणिक है यानी टू क्रॉस टू ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर देखो हमने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो हम जो ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, यानी जैसे ए वन इन टू बी टू, ठीक है फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा जो अपने पास एलिमेंट्स है कौन से है, ये है अपने पास, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे ए टू बी टू। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यानी इनका प्रोडक्ट करके हम क्या कर लेंगे, इनका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैसे इनका सूत्र होता है, मैं राइट कर देता हूं कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल, हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, अग्रज है, ऐसे अग्रज है विकर्ण है के अव्यव, ऐसे के अव्यव का गुना, ठीक है माइनस है अपने पास क्या हो गया पिछले विकर्ण के अवयव का गुणा, ये चलता है अपने पास। ठीक है, यदि अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में यदि इसको रिप्रेजेंट करना चाहे भाई टू क्रॉस टू ऑर्डर का है, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स एलिमेंट्स
ये क्या है द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स एलिमेंट्स, इसको डायगोनल्स के एलिमेंट्स मान लेना, ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स है वो ऑफ डायगोनल्स मान लेना, यानी कि हमने ऐसा लिखा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स एलिमेंट्स, ओके, माइनस द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स, यानी कि अग्र विकर्ण के जो अवयव है उनका गुणनफल माइनस पिछले विकर्ण का गुणनफल। इसको अपने हिंदी में मैंने ये भी बताया था आपको कि जैसे हम बात करेंगे देखो ए वन ए टू, तो ये जो विकर्ण है उसको क्या कहा जाता है मुख्य विकर्ण, ठीक है, ऐसे मैंने पिछले जो मैट्रिक्स के टाइप्स होता है उसमें बताया था, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स, ठीक है, और ये जो शेष अपने पास से विकर्ण प्राप्त हो जाता है उसको हमने क्या कहा था अदर डायगोनल्स का नाम दिया था, ठीक है, तो मैंने कहा था कि यहाँ ऐसे आ गया है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनका गुणनफल माइनस पिछले विकर्ण के गुणनफलों का अवयव, ठीक है, अवयव का गुणनफल, ओके, तो हमने इस प्रकार से निकाल लिया। मैं आपको कोई एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर द एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इधर देखना, यहां समझा देता हूँ आपको, मैट्रिक्स है जैसे मेरे पास ये हो गया 1 2 3 4, ओके, ये क्या है 2x2 ऑर्डर का है, क्योंकि इसके अंदर वही मैट्रिक्स होगी जो स्क्वायर टर्म में होगी, क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या होगी एक डिटरमिनेंट्स होगी, ठीक है, तो मैंने ऐसे राइट कर दिया, देखो ए जो मेरे पास मैट्रिक्स थी वो 1 2 3 4 यानी 2x2 की होगी। अब मैं इसी का क्या करना चाहता हूँ वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इसको मैं सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करूंगा डिटरमिनेंट्स में यानी सारणिक में, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि डिटरमिनेंट्स, ठीक है, ए, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ऐसे डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल, सबसे पहले तो इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करूंगा 1 2 3 और 4, यानी ये क्या है 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट्स है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने आपको ये बताया था यदि 2x2 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट्स है उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, ठीक है, जिसे अपन 10th क्लास में या 11th क्लास में या इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते थे, वजन गुणा करवाते थे, तो सेम वो का ऑपरेशन यहाँ पर ऐड करा दो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स, तो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल्स को यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × 4 हो जाएगा, 1 × 4, फिर माइनस द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, तो पिछले विकर्ण के अवयव ये हो गए इनका गुणनफल, तो ये क्या हो गया 2x3। अब देखो यार 4 × 1 = 4 माइनस ये क्या हो गया 6, 4 में से 6 गया तो -2 इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई, यानी कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल -2, ओके, तो ये अपने पास क्या हो गया 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू फाइंड करना आ गया। अब अपने पास आता है 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स उसकी वैल्यू फाइंड करना, अपने आरबीसी का जो सिलेबस है यानी कि जो एट प्रेजेंट में एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने बुक में आपको 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स मिलेगी उसकी वैल्यू आपको फाइंड करने को मिलेगा, ठीक है, तो हम इसका लास्ट स्टेप है अपने पास जो वैल्यू फाइंड संबंधित है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है, वो भी एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो अपने पास कोई डिटरमिनेंट्स है जो क्या है 3x3 ऑर्डर का है यानी तृतीय क्रम का कोई सारणी हो उसका मान प्राप्त करना, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना तृतीय क्रम की सारणी का मान प्राप्त करना, ठीक है, तो यहाँ राइट कर देता हूँ मैं, देखो पार्ट नंबर इसका आता है अपने पास थर्ड पार्ट, ठीक है, जैसे तृतीय क्रम है कि कोई भी सारणी हो अपने पास, ठीक है, उसका मान प्राप्त करना, ये लो सारणी का मान याद करो, सारणी का मतलब है डिटरमिनेंट से, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपने पास कोई ऐसा डिटरमिनेंट हो जो 3x3 ऑर्डर का हो, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, तो मैं आपको एक बार राइट करके बता देता हूँ किस प्रकार से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तरीके दो है इसमें, ठीक है, एक तरीका आपके पास जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो है, फिर एक तरीका अपने पास ऑलरेडी है जो डायग्राम द्वारा समझा रखा है, ठीक है, तो सारास्त्र डायग्राम है उसके द्वारा बताऊंगा मैं, तो जैसे अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है ये, ठीक है, मैं ऐसे राइट कर देता हूँ, ये रो A1 है, B1 है और C1, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए, ऐसे ही A2, B2 और C2, ठीक है, ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स हो गए, मैंने ऐसे राइट कर दिया A3, B3 और C3, ये क्या हो गया थर्ड रो के एलिमेंट्स हो गए, यानी कि ये जो अपने पास मैट्रिक्स है वो क्या है
3x3 ऑर्डर की है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यदि इसको 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं इसी तरह से राइट करूंगा डिटरमिनेंट्स, ठीक है ए, या इसको मैं इसे राइट करूंगा ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल, डिटरमिनेंट्स का सिंबल राइट कर दूंगा, ऐसे राइट कर दूंगा ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, फिर ऐसे राइट करूंगा ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटे, ये 3x3 ऑर्डर का अपने पास क्या डिटरमिनेंट्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है या तो पंक्ति के अवयवों के अकॉर्डिंग या फिर जो कॉलम्स है उनके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैं क्या करूँ, इसकी फर्स्ट रो ले लू तो मैं ऐसे लिखूंगा प्रथम पंक्ति, ऐसे प्रथम पंक्ति, ऐसे प्रथम पंक्ति के विस्तार, ऐसे विस्तार द्वारा सारणी के, ऐसे सारणी का मान ज्ञात करना, याद करना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रथम पंक्ति के विस्तार द्वारा सारणी का मान, ठीक है। अब प्रथम पंक्ति का विस्तार करेंगे हम तो किस प्रकार से करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेंगे, ये तो रो नंबर फर्स्ट हो गया, ये अपने पास क्या हो गया रो नंबर सेकंड हो गया, ये अपने पास रो नंबर थर्ड हो गया। ये जो एलिमेंट्स अपने पास नजर आ रहे हैं कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड हो गए, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही हम इस यूनिट की स्टडी करेंगे तो इस यूनिट में अपने पास एक इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, फिर अपने पास 1x1 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट्स है, ठीक है, यानी एक क्रम की कोई सारणी को उसका मान ज्ञात करना। तो मैंने बताया था जो एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट्स का, जो एलिमेंट्स है वो ही क्या है उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया 2x2 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट्स है अपने पास, यानी कि दो क्रम की कोई सारणी है उसका मान ज्ञात करना। उसका मैंने बताया था जैसे 10th क्लास 9th क्लास में इक्वेशन वगैरह आपने सॉल्व किया था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया था आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मेथड अप्लाई कर देना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मतलब क्या है मेरा कि भाई जैसे इसमें क्या होता है एक प्रिंसिपल डायगोनल्स होता है, यानी जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं मुख्य विकर्ण। तो यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया था, इसी तरह से मैंने आपको राइट करके बता दिया था कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स ए इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स माइनस द प्रोडक्ट ऑफ ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स, ठीक है, या ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो आपके पास है जो मुख्य विकर्ण के अवयव थे उनका गुणनफल में से क्या बता दिया, जो आपके पास पिछले विकर्ण के गुणनफल थे वो, तो आपकी वैल्यू आ गई। अब इसका तीसरा पार्ट क्योंकि अपने जो सिलेबस में है वो 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स मिलेगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना ऊपर अपने सीखेंगे। तो इसमें देखो अपने पास क्या है, 3 तो रो है, 3 क्या है कॉलम्स है। तो मैंने कहा था जो डिटरमिनेंट्स होती है वो क्या होती है, किसी मैट्रिक्स का एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, ठीक है, पी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, यानी वर्ग मैट्रिक्स हो गया जो किस ऑर्डर का हुआ, 3x3 ऑर्डर का हुआ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी वेरीफाइड करना चाहता हूँ, तो वेरीफाइड करने का एक तरीका मैं यहाँ समझा रहा हूँ, एक तरीका थोड़ा आगे आएगा, दोनों तरीके हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस मेथड से जब भी आप यदि किसी भी सारणी का मान निकाल रहे हो यानी किसी डिटरमिनेंट्स की वेरीफाइड कर रहे हो तो आप उसका जो या तो रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, मैंने राइट कर दिया फर्स्ट पंक्ति के विस्तार के द्वारा सारणी का मान। अब फर्स्ट पंक्ति में पहला अवयव क्या है, A1 है। अब यहाँ क्या किया जाता है, प्लस माइनस का साइन राइट किया जाता है। यदि आपके पास स्टार्टिंग फर्स्ट रो में चल रहे तो इसे प्लस माइनस और प्लस यानी एकांतर क्रम में 1x1, ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस फिर प्लस, फिर यहाँ जैसे माइनस आ गया तो प्लस माइनस, ओके। तो आप किसी भी कॉलम या किसी भी पंक्ति से आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट्स राइट करता हूँ, देखो एलिमेंट्स ए है, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है, तो किससे, इसमें क्या करूंगा जो जब भी वैल्यू निकालूंगा तो जो अपने पास ए जो एलिमेंट्स है यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स, इसकी जो कॉलम्स के एलिमेंट्स है और इसकी जो पंक्ति के एलिमेंट्स है उनको आप क्या कर देना गायब कर देना, फिर जो आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे उनके द्वारा एक डिटरमिनेंट्स बना देना। तो मैं इसको और इसको ड्रॉप कर देता हूँ, अपने पास देखो क्या बचा, ऐसे B2 और ऐसे B2 और ये बन गया C2, फिर अपने पास B3 और ये बन गया C3, ये अपने पास डिटरमिनेंट्स आ गया। तो इसके साथ तो कौन सा मार्क्स आएगा, प्लस का मार्क्स जो मैंने राइट नहीं किया। फिर अपन बी जो सेकेंड पार्ट में आएंगे तो माइनस का B1 यहाँ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब ये जो सेकंड इसका एलिमेंट्स है
फर्स्ट रो का उसके कॉलम के जो भी एलिमेंट है उनको और उसके रो के जो भी एलिमेंट है उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो आप इस वाले और इस वाले कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ो, आपके पास A2, A3 और C2, C3 से F डिटरमिनेंट्स बनेगी। तो मैंने इसे ऐड कर दिया A2, ठीक है, और C2। देखो ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ये वाली रो के एलिमेंट्स ड्रॉप कर दिए, तो A2, C2 मैंने राइट कर दिया, A3 और ये हो गया C3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कौन सा सिंबल आएगा, प्लस, तो ये रो प्लस है, फिर मैंने राइट कर दिया C1 × अब इससे डिटरमिनेंट्स बना लेंगे। कैसे, ये C1 लेंगे तो इसके पंक्तियों के अवयवों को, इसके कॉलम के अवयवों को आप छोड़ दो, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बच गए उनके द्वारा डिटरमिनेंट्स बना लो, ऐसे A2, B2, ऐसे A3 और B3। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको पिछले जो सर बताया था कि 2×2 ऑर्डर का अपने पास डिटरमिनेंट्स होता है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स माइनस द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने ऐसे कैसे राइट कर दिया, देखो ऐसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए A1 × देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे, तो B2 × C3, तो B2 × C3 माइनस, फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई करा दिया द प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये B3 और C2 हो गया, B3 और C2 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे कैसे राइट कर दिया, फिर माइनस है, फिर यहाँ B1 × यहाँ देखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स ये हैं, तो ऐसे कैसे A2 C3 माइनस है A3 और C2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा प्लस है, C1 है और प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालो A2 × B3 माइनस है A3 × B2। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देंगे। तो ये तो हो गया अपना एक तरीका, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 3×3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स की उसकी वैल्यू फाइंड करने का कोई एग्जांपल दूंगा और फिर वैल्यू फाइंड करके बताइए। फिर अपने पास माइनर और एक आएगा फैक्टर्स, वो निकालना, फिर अपने बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर अपना एक्सरसाइज में चलेंगे। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप इसी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो कोई स्टूडेंट ऐसा जो डिटरमिनेंट्स पढ़ना चाहता है उसको उसकी जानकारी मिल सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।